हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज़। सलमान ने निखत को गोल्ड जीतने पर दी बधाई, एक्टर की विश देखकर बॉक्सर इमोशनल हुई। इंडियन फीमेल बॉक्सर निकहत जरीन ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन कर दिया है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फैन निकहत जरीन की इस मुकाम पर पहुंचने के बाद एक इच्छा है कि वो अपने फेवरेट स्टार से एक बार जरूर मिले। एक इंटरव्यू में वो सलमान खान के प्रति अपनी दीवानगी भी जाहिर कर चुकी हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद अब खुद सलमान खान ने निकहत जरीन को शुभकामनाएं दी हैं और एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है। सलमान खान ने निकहत जरीन को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, बधाई हो इस गोल्ड के लिए निकहत। इस पोस्ट के बाद निकहत भी बेहद खुश हो गईं और उन्होंने सलमान को रिप्लाई करते हुए लिखा, एक डाई हार्ट फैन गर्ल होने के नाते ये मेरा पसंदीदा सपना है जो सच हो गया है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती थी कि सलमान खान मेरे लिए ट्वीट करेंगे। मैं बहुत विनम्र हूँ। मेरी जीत को और खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पल को हमेशा अपने दिल में बसा लूंगी। फिर क्या था, सलमान ने अपनी फैन को रिप्लाई करते हुए उससे कहा, बस मुझे मत मारो, ढेर सारा प्यार, जो कर रहे हो वो करते रहो और मेरे हीरो सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह मुक्के मारते रहो। सलमान के अलावा बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी निखत को विश किया और लिखा, भारतीय महिलाओं को उन ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना एक अविश्वसनीय बात है जिसकी हमने केवल कल्पना ही की थी। वह निखत जरीन, आपके और आपकी टीम के लिए बहुत खुशी है। स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। इतना ही नहीं, बिग बी ने भी फीमेल बॉक्सर को बधाई दी है। अमिताभ लिखते हैं, निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन, बधाई बधाई बधाई। बता दें कि थर्सडे को 52 किलोग्राम कैटेगरी में निखत ने थाईलैंड की जिटपोंग्स जुटामस को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। इसी के साथ उन्होंने ये इतिहास रचा, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी। लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर ने बनाया मास्टर प्लान। आईपीएल के फाइनल मैच में होगा फिल्म से जुड़ा बड़ा ऐलान। लंबे वक्त से आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के गाने के बाद फैंस इस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, तो पक्का ये रिपोर्ट आपका एक्साइटमेंट और ज्यादा डबल करने वाली है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान और करीना कपूर स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर आईपीएल के फाइनल मैच में लॉन्च किया जाएगा। वैसे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को हर बार कुछ नया करते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर चाहे उनका अलग अलग किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना हो या फिर लीक से हटकर किसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना। इसके अलावा आमिर खान अपनी फिल्मों की मार्केटिंग करना भी बखूबी जानते हैं। इस बीच एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर रिलीज के लिए भी एक अनूठा प्लान तैयार किया है। प्लान के मुताबिक 29 मई 2022 को क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार आईपीएल का फाइनल मैच होने वाला है। इसी मैच के दौरान लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। साथ ही फाइनल मैच के सेकंड हाफ में इस ट्रेलर का ग्रैंड लॉन्च इवेंट होगा। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने आईपीएल के लिए लोगों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का फैसला किया है, जो सिनेमा और क्रिकेट के फैंस के लिए बेहद आश्चर्य की बात है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब लाइव क्रिकेट सेरेमनी के दौरान किसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है। वहीं लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म इसी साल 11 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।